नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टूल की जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप अलग अलग स्टॉक्स को लगा के ट्रेडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से आपको मालूम चलता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी में बाय का सिग्नल है या कौन सी स्ट्रैटेजी में सेल का सिग्नल है। लेकिन कैसा हो कि आपको आपकी स्क्रीन पर ही सारे के सारे स्टॉक एक डैशबोर्ड की तरह दिखें, एक स्कैनर की तरह दिखें और आपको उससे आराम से आइडिया लग जाए कि आपके कौन से स्टॉक्स में बाइंग या कौन से स्टॉक्स में सेलिंग चल रही है। सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्कैनर की जो कि काम आता है मेटाट्रेडर 4 के लिए। तो अगर आप मेटाट्रेडर 4 को इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए या चार्टिंग करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो व्यूअर्स अभी तक MT4 के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, MT4 जो है वो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है लेकिन इंडिया में उसको चार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्टिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ट्रेडिंग के लिए वो अभी तक MT4 इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कैनर दिखता है और किस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप 1, 2, 3 इंडिकेटर्स या एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स पे काम करते हो तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो अभी आपको चीज़ दिख रही है इसको हम स्कैनर बोलते हैं। इसमें अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सिंबल्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कि जैसे सबसे पहला सिंबल आपको लिखते को मिलता है निफ्टी का सिंबल है, उसके बाद आपको यूरो USD का, उसके बाद सिल्वर का, इस अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मोड है अभी जिसको आप अभी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड मोड। ठीक है, अगर आपको सिंगल अकाउंट चेक करना है यानी सिंगल सिंबल का चेक करना है कि क्या परफॉर्मेंस, तो आप इसमें ब्लैंक जो एरिया दिखने को मिल रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी और ये पॉपअप का जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन भी दिखेगा कि कौन से सिंबल में नया बाय या सेल का सिग्नल आया है और कितने बजे आया है। ठीक है, इसको आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है और सुपर ट्रेंड के हिसाब से ये आपको एरोज वगैरह दिखा रहा है, पिछले सिग्नल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसके इनपुट्स पे लेके चलता हूँ और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आप इसके इनपुट्स में जाते हैं तो इनपुट्स में आपको जो देखने को मिलेगा दोस्तों वो इस तरीके से रहेगा और इसमें आपको सेटिंग्स मिलेगी अलग अलग। सबसे पहली चीज़ आपकी आ रही है कि टारगेट, कौन सा टारगेट आपको लेना है, टारगेट 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, इसके लिए आप डबल क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जब भी टारगेट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी और साइड में यहाँ पर डैशबोर्ड में वो लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा कि इसमें ये वाला टारगेट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टारगेट के डालने के ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 पे क्या टारगेट रखना है, ये परसेंटेज में है दोस्तों, पॉइंट्स में नहीं है। तो आप जब डालोगे तो परसेंटेज में डालना क्योंकि इनपुट में यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है पिछले सिग्नल्स दिखाना है नहीं दिखाना है, अगर आप इसको फॉल्स करते हैं तो पिछले सिग्नल नहीं दिखाएगा और जो भी नया सिग्नल बनेगा, जो भी नया ट्रेड बनेगा उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद शो अलर्ट है ट्रू फॉल्स, अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप शो अलर्ट को ट्रू करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप फॉल्स रखेंगे। उसके बाद है री एंट्री। री एंट्री होता है कि अगर एक ही साइड में आपका एक बार ट्रेड हो गया और उसका स्टॉप लॉस या टारगेट लग गया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका एक बार फिर से ट्रेड हो या ना हो सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम री एंट्री कहते हैं। तो अगर आप उसको ट्रू करेंगे तो दोबारा से एंट्री आएगी तो हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है इंडिकेटर्स कौन कौन से हमने दिए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको RSI मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ADX का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्टोकेस्टिक मिल जाएगा, पैराबोलिक SAR मिल जाएगा, आपको बॉलिंगर बैंड मिल जाएगा, VWAP मिल जाएगा और आपको DEMA, TEMA के ऑप्शन मिल जाएंगे, ओपन रेंज ब्रेकआउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप ओपन रेंज ब्रेकआउट कर सकते हो जो उसमें उस पीरियड का जो भी, तो आपको ओपन रेंज ब्रेकआउट का भी मिल जाता है। ओपन रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जिसका ओपन और लो सेम होगा या ओपन और हाई सेम होगा तो उस हिसाब से ट्रेड करेगा। जैसे ओपन और हाई सेम होता है तो सेल का सिग्नल बनता है और ओपन और लो सेम होता है तो बाय का सिग्नल बनता है। इस तरीके से आपको अलर्ट मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद टाइम रेंज ब्रेकआउट भी मिल जाता है कि आपको अगर एक किसी पर्टिकुलर टाइम के ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हो। जैसे टाइम डालोगे उसके ऊपर या नीचे जब भी कोई ट्रेड होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग इनपुट्स मिलते हैं। इन सबकी ब्रीफ जानकारी हम आपको देते हैं जब हम आपके लिए डेमो के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त हम आपको प्रॉपर बताते हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो ये है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि और किसी इंडिकेटर के थ्रू अगर आप जैसे मान लीजिए सुपर ट्रेंड पे कर रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड को अगर आप फॉल्स कर देंगे, मान लीजिए आप RSI को ऑन कर देंगे, तो आप जब ओके करेंगे तो ये आपको RSI के बेसिस पे सिग्नल लेकर आएगा। अब ये जो सिग्नल्स आप देख पा रहे होंगे ये RSI के बेसिस पर आ रहा है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि और कोई इंडिकेटर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर दो इंडिकेटर एक साथ लगाने, जैसे बॉलिंगर बैंड को भी ट्रू कर दिया, तो RSI और बॉलिंगर बैंड जब दोनों में बाय बनेगा तो ये बताएगा कि आपका ट्रेड जो चल रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एरो दिखाई देगा और उसके बाद सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी इन डिटेल्स। इस तरीके से दोस्तों ये स्कैनर काम करता है। अगर आपको स्कैनर परचेज करना है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ट्रायल ले सकते हैं, 2 दिन का आपको ट्रायल फ्री दिया जाएगा। 2 दिन आप ट्रायल लेके चेक कीजिए आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम आपको इसको मंथली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन पे दे सकते हैं। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रहने वाली है, जब आप हमें कॉल करेंगे हम आपको इसके प्राइसिंग भी बता देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्कैनर और ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।